हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टैंडर्ड अलोन एमसीक्यू पे आ चुके हैं। इसका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं। फ्रेंड्स आर ह्यूज क्राउड असेंबल्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप, हाउ वुड यू इवैल्यूएट हिज रिएक्शन। ये जो फ्रेंड होता है उसको एक भारी भीड़ दिखता है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, लेकिन रुकता नहीं है। आप इसको कैसे इस रिएक्शन को देखेंगे, बताएंगे क्यों ऐसा कर रहा है वो। ए फ्रेंड वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज ऑफ लास्ट बैटल्स। बी नोबडी इन फ्रेंड्स फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर। और सी नंबर है बेड न्यूज हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क। तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उस समय में जो युद्ध चल रहा था ना, तो बेड न्यूज जो है एकदम कॉमन हो गया था, इसीलिए वो उस चीज़ को विशेष ध्यान नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। देयर वॉज यूजली ग्रेट बसल एंड नॉइस वैन स्कूल बिगेन बट इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट। जब स्कूल शुरू होता था तब बहुत हल्ला गुल्ला और सब बच्चों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस बार वो बहुत शांत था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फ्रेंड्स इमोशंस मोस्ट एक्यूरेटली। तो क्या चीज़ को, कौन सा चीज़ जो है निम्न में से बताएगा नीचे से कि उसका जो इमोशन जो है एकदम करेक्ट था। ए शॉक एंड यू है ना, और सेकेंड डिसअपॉइंटेड एंड एंगजाइटी, और सी कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रेस, डी क्यूरियोसिटी एंड अनसर्टेनिटी। तो देखिए शॉक में तो था ही नहीं वो, ठीक है, शॉक माने झटका तो उसको लगा नहीं था। लेकिन जो बी ऑप्शन है बच्चों ध्यान से पढ़िएगा आप, तो बी में क्या बोलता है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब उसको एक निराशा था और एंजाइटी माने शंका था। तो इसका बी ही होगा, उसको एक निराशा था एक शंका था, कन्फ्यूजन तो था नहीं उसको क्योंकि हर दिन स्कूल जाता था, ना ही किसी प्रकार का कोई तनाव था, और कोई क्यूरियोसिटी उत्सुकता था नहीं, पहली बार किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी होता है, अनसर्टेनिटी भी नहीं था क्योंकि उसको मालूम था कि क्या हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स MML ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। ए क्रेंकी, मिजरेबल, डिडेक्टेड, डेडिकेटेड और रिजाइन। तो देखिए क्रेंकी का मतलब होता है जो आदमी सठिया गया रहता है, तो सठिया तो गया नहीं रहता है वो, है ना। सेकेंड जो है वो है पेशेंट, डिग्निफाइड, इमोशनल और क्रेजियस। तो देखिए सेकेंड जो है बच्चों सबसे बेस्ट डिस्क्राइब, उस दिन वो धैर्य में था, अपने आप को गौर महसूस कर रहा था, भावुक था और उसमें एक अद्भुत साहस था। थर्ड देखिए काम, नॉस्टैल्जिक, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड और पेट्रियोटिक। तो देखिए थर्ड में जो काम, काम तो था लेकिन नॉस्टैल्जिक नहीं, उदासीन नहीं थे, नहीं निराश नहीं थे। और डी जो है प्राउड, रिप्रोचफुल, परसिस्टेंट, हीरोइक, तो इस टाइप का भी उनका नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं कि लुक एट द टेबल बिलो। कॉलम ए प्रोवाइड्स इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी द लास्ट लेसन, कॉलम बी प्रोवाइड्स टाइटल्स ऑफ सम फेमस इंग्लिश लैंग्वेज पोएम्स, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच आइटम्स ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में हमको मिलाना है। MML डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू कॉपीज दैट लुक्स लाइक लिटिल फ्रेंच फ्लैग एंड इंडेड द क्लास विथ एन इम्पेथेटिक वी ए ला फ्रांस। तो देखिए उन्होंने क्या किया, नया कापी बांटा था जिसमें फ्रेंच फ्लैग था, है ना, और जिसके क्लास को समाप्त किया और लास्ट में उन्होंने एक इम्पेसाइट किया, एक स्लोगन बोला जोर से। तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डी नंबर होगा, डू नॉट गो जेंटल इन टू द गुड नाइट, है ना। ये डैलन थॉमस का जो है ये होगा फर्स्ट का फोर नंबर, मतलब इसका डी ऑप्शन ध्यान से देखिए आप लोग, फर्स्ट का फोर हो गया तो बाकी तीनों जो हैं आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड देखिए कि हासर सेट एट द एंड ऑफ द क्लास थम्बिंग हिज प्राइमर डिस्पेटली ट्राइंग टू लर्न विद द चिल्ड्रन इवन एज ही क्राइड। रोते रोते भी वो उसको सीखने की तमन्ना थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन वन, रिमोर्स इज मेमोरी अवेक, इमली डिकिंसन का लिखा हुआ है ये। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर, MML शेयर्ड हाउ एलएस ऑलवेज पुट ऑफ लर्निंग एंड हाउ इट्स पीपल ऑलवेज थॉट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बहुत समय है और हम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा अ हाउस कॉल टुमारो कि एक घर जिसका नाम है कल। तो बिल्कुल सही है, हर आदमी को लगता है कि मैं कल सीख लूँगा। तो थर्ड नंबर, सेकंड नंबर हो जाएगा इसका, थर्ड का सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन देखिए डी नंबर। फोर्थ नंबर देखिए कि क्लास इंडेड व्हेन द चर्च कॉल क्लाक स्ट्रक 12। जब क्लाक खत्म, क्लास कब खत्म होता है, जब चर्च का जो काला क्लाक है, घड़ी है, वो 12 बजाता है। एंड देन द एंजलस साइमल्टेनियसली पर्सियन ट्रम्पेट्स साउंडेड अंडर द स्कूल विंडो। तब उस समय फिर पर्सियन का जो जो साउंड है, ट्रम्पेट का विजय धुन है, वो बजने लगता है और स्कूल के विंडो से दिखाई देने लगता है। तो इसका होगा प्राम
हुम द बेल टॉल्स, है ना, ये जॉन डॉन का है, थर्ड नंबर ये हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को ये जरा जो MCQ है तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।